तो ये रहा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का वन, जॉन जीवंती। जॉन और जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास इकट्ठा मिला के कितना मार्बल्स है, 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों पांच पांच मार्बल्स खो देता है, दोनों पांच पांच मार्बल्स खो देता है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। इसके पास मिला के पहले 45 मार्बल्स है, फिर दोनों क्या करता है, ये भी जॉन भी पांच मार्बल खो देता है, जीवंती भी पांच मार्बल खो देती है। और उसके बाद जो बचता है वो लोगों के पास, वो दोनों का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो 124 के इक्वल आता है। तो फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, मतलब पता कीजिए, फाइंड कीजिए कि वो लोग कितने मार्बल्स शुरुआत में, वो लोग के पास कितना मार्बल था, वो मतलब वो लोग कितने मार्बल से शुरुआत किया था। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या मान लेते हैं कि लेट सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन इनिशियली बी एक्स। मतलब मान लेते हैं कि जॉन के पास शुरुआत में कितना मार्बल्स था, एक्स मार्बल्स था। उसके बाद जीवंती के पास कितना मार्बल होगा, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती, जीवंती इनिशियली बी, तो वाई मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि दोनों का मिला के, इसका मार्बल मिला के और इसका मार्बल मिला के, दोनों का मार्बल मिला के कितना मार्बल्स होगा, टोटल 45 मार्बल्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या, 45। इससे हम लोग के पास क्या मिल जाएगा कि जो एक्स है वो क्या है, 45 माइनस वाई है। ये इक्वेशन वन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वेशन वन। अभी क्या बोल रहे हैं कि दोनों जो है पांच पांच मार्बल्स खो देता है, और खोने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, 124। मतलब अगेन करके हम लोग एक चीज़ और लिख सकते हैं कि अभी जॉन के पास कितना है, अभी जॉन के पास है एक्स मार्बल्स, उसमें से पांच मार्बल्स खो दिया, मतलब माइनस फाइव। फिर जीवंती के पास अभी कितना है, तो मान लेते हैं वाई और माइनस फाइव, दोनों का हम लोग कर दिए हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट करने के बाद आएगा कितना, 124। 124 पर हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, दो इक्वेशन तो चाहिए, दो वेरिएबल तो चाहिए नहीं, एक ही वेरिएबल चाहिए, इसलिए एक वेरिएबल को रिप्लेस कर देंगे। जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ क्या लिख देंगे, 45 माइनस वाई। तो हमको पहला में ही एक्स दिख रहा है, इसमें क्या लिख देंगे हम लोग, 45 माइनस वाई माइनस फाइव, और इधर वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू क्या, 124। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 45 माइनस फाइव आ जाएगा 40 माइनस, और इधर वाई, 40 माइनस वाई और वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू क्या, 124। सॉल्व करते हैं इसको, 40 इंटू वाई 40 वाई, 40 इंटू माइनस फाइव तो माइनस 200 होगा ना, हाँ। तो और उसके बाद माइनस वाई इंटू वाई तो माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई इंटू माइनस फाइव तो प्लस 5y इक्वल्स टू 124। ठीक, इतना समझ में आ गया। अभी इसको अरेंज करते हैं इस तरह से कुछ कि माइनस वाई स्क्वायर को पहले लिखते हैं, फिर इस 5y और इस 40y को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस 45y, प्लस 45y, उसके बाद माइनस 200 और ये आएगा माइनस 124 बन के। तो कितना बनेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन आ जाएगा माइनस का, 4 प्लस 0 4, 2 प्लस 0 2, और 2 प्लस 1 3, 324 इक्वल टू 0। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रू आउट, तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45y और प्लस 324 इक्वल टू 0। ये आ गया मेरा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, जो कि है जीवंती का नंबर ऑफ मार्बल्स, और y का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, हम लोग को मिल जाएगा x का वैल्यू, दैट्स इट, जॉन का मार्बल। तो अभी चैलेंज यही रहा कि इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग कर देंगे कुछ, अभी दिक्कत कोई नहीं। 324 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 2 1, और इधर 6, इधर 4 लाना है 45, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2, 81 माइनस 4 होता है क्या, 45 नहीं होता है। उसके बाद 3 से करते हैं, 27 बार में जाएगा, तो 6 12, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12, 27 प्लस 12, 27 प्लस 12 कितना आता है, तो आएगा 27 प्लस 12 आएगा 9, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 54 माइनस 6 कितना आता है, वो भी नहीं होगा। इसको फिर से करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 27, अभी करते हैं 3 3 जा 9 18 18, और प्लस 18 फायदा नहीं, 18 2 जा कितना, 36 36 प्लस 9 46 45। हाँ देखिए,
यहाँ पे आ गया 3 3, ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा और ये अकेला ग्रुप बन जाएगा, ये 9 और ये 3 3 9 9 2 18 इंटू 36 36 36 प्लस 9 कितना होता है 45 होता है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है 36 और 9 के फॉर्मेट में तोड़ना है इसको। तोड़ देते हैं, उसमें क्या है हमें क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन मिटाता हूँ। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वाई स्क्वायर माइनस 45 चाहिए तो 36 को माइनस पर रखेंगे, माइनस 36 वाई करना है प्लस, तो एक और माइनस ही रखेंगे और 9 वाई और साथ में क्या प्लस 324 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे y लेंगे कॉमन तो हो जाएगा y माइनस 36, यहाँ पे माइनस 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस 36 ही आना चाहिए, 36 9 जाओ 324 होना चाहिए, जैसे 54 कैरी 5 नहीं 27 27 प्लस 5 32 सही है। अब इस दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इस दोनों में से कॉमन y माइनस 36 आ जाएगा, क्या बचेगा तो इसमें बचेगा y और इसमें बचेगा 9 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, वाई इक्वल टू 36 मिल जा रहा है, एक तो इसको जीरो करेंगे इधर, ये इक्वल टू 0 और ये इक्वल टू 0, जब इसको जीरो करेंगे तो y माइनस 36 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या प्लस 36, तो y 36 आ गया, या तो क्या आ सकता है y इक्वल टू 9 आ सकता है। अगर y 36 हुआ, अगर y 36 इफ y इक्वल टू 36 तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 45 माइनस 36, 45 माइनस 36 कितना होता है 4 और 5 9, तब 9 आ जाएगा। और अगर y इफ एंड इफ y इक्वल्स टू 9 तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 45 माइनस 9 36। मतलब जॉन के पास या जीवंती के पास पता नहीं कैसा कितना किसके पास, पर हम लोग इतना जानते हैं कि जॉन के पास है, मतलब किसी एक के पास है 9 मार्बल्स और किसी दूसरे के पास है 36 मार्बल्स। वन हैज़, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि इफ जॉन के पास है, जॉन हैव कितना मार्बल्स, तो अगर जॉन को हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो अगर जॉन के पास है 9 मार्बल्स देन जीवंती के पास कितना मार्बल्स होगा, जीवंती के पास होगा 36 मार्बल्स। और उल्टा केस, और जॉन के पास अगर है 36 मार्बल्स तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास होगा 9 मार्बल्स। ये मेरा आंसर सेट है, ठीक समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको और लिख लीजिएगा, लिखना है तो। क्या किया हम लोगों ने, पहले x और y मान लिया, पर x प्लस y इक्वल टू 45 दिया हुआ था, x इक्वल टू 45 माइनस y एक ही वेरिएबल में लेके आए हैं। उसके बाद क्या कर दिया हम लोग, x माइनस फाइव वाई माइनस फाइव इक्वल टू 124, क्यों, क्योंकि 5 5 मार्बल दोनों खो दिया था, दोनों में माइनस फाइव कर दिए, फिर दोनों का प्रोडक्ट कर दिए तो आ गया 124 जो कि दिया हुआ था क्वेश्चन में। पर यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं, हमको एक ही वेरिएबल में इसको लेके आना था, तो x जहाँ है वहाँ क्या पुट कर दिए 45 माइनस y, फिर सॉल्व कर दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया ये, इसको हम लोगों ने ग्रुपिंग किया तो ये मिला हम लोगों को, और ये इससे जो आया वो दो आंसर आया 36 और 9, दो वैल्यू आया वाई का। एक बार ये पुट किए तो एक्स का वैल्यू 9 आ गया और 9 पुट किया तो एक्स का वैल्यू 36 आ गया, तो मतलब आइदर और वाला केस बन गया, तो ये मेरा आंसर हो गया, दैट्स इट।